तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो कि आप लोगों के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर में आप लोगों को दो स्टोरीज पढ़ना है, पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड ब्लैक एरोप्लेन। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो ये कहानी है एक ऐसे यंग सीगल के बारे में जिसे उड़ने से बहुत ज्यादा डर लगता था एंड अपने डर के कारण वो कभी भी उड़ नहीं पाता था। सो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे वो यंग सीगल अपने डर को ओवरकम कर पाता है एंड कैसे वो अपनी पहली उड़ान भरता है। तो अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो देन ये मेरी गारंटी कि तुम लोगों को ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। एक यंग सीगल रॉक पर अकेला बैठा हुआ था। उसके दो भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़कर दूर जा चुके थे। वो यंग सीगल को उड़ने से बहुत ज्यादा डर लगता था। वो यंग सीगल जैसे ही दौड़कर रॉक के एज पर उड़ने के लिए पहुंचता था, वैसे ही वो बहुत ज्यादा डर जाता था। उस रॉक के नीचे एक बहुत ही बड़ा सी था और उस यंग सीगल को ये लगता था कि उसके विंग्स उसे इतनी लंबी फ्लाइट के लिए सपोर्ट नहीं कर पाएगा और वो ये सोचकर अपने छोटे से होल में चला जाता था। उस यंग सीगल के भाई बहन के जो विंग्स थे उसके कंपेयर में काफी छोटे थे, लेकिन फिर भी वो लोग आराम से उड़ रहे थे और वो यंग सीगल छुपा हुआ था। अब उस यंग सीगल के मॉम एंड डैड यानी कि पेरेंट्स वहां आते हैं और उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं और उसे उड़ने के लिए फोर्स करते हैं, बट फिर भी वो डर से छिपा होता है। उसके मन में ये डर था कि अगर वो उड़ नहीं पाया तो सी में जाकर गिर जाएगा और वो वहां पे मर जाएगा। पूरे 24 घंटे तक उस यंग सीगल के पास कोई नहीं गया था। एक दिन पहले वो यंग सीगल सारे दिन अपने मदर एंड फादर और भाई बहनों को उड़ते हुए देख रहा था। उस यंग सीगल के पेरेंट्स उसके भाई बहन को उड़ना, हंटिंग करना और सी वेव्स को क्रैक करना सिखा रहे थे। वो यंग सीगल देखता है कि उसके एल्डर ब्रदर ने एक फिश पकड़ी और उस फिश को दूर रॉक में जाकर आराम से बैठकर खाने लगा। बाकी के सीगल उसके लिए प्राउड वॉइस निकाल रहे होते हैं। अब अगले दिन सनराइज हो रहा होता है। वो यंग सीगल लेज पे साउथ की तरफ फेस करके सोया होता है। वो यंग सीगल को सन की हीट फील होती है क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया होता है। वो यंग सीगल पूरे रॉक पे खाने की तलाश करता है लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। अब वो अपने पेरेंट्स तक चलकर जाने का सोचता है और रॉक में रास्ता ढूंढता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अब वो यंग सीगल दूर से देखता है कि उसके भाई बहन एक प्लेट्यू में आराम कर रहे थे। उसके फादर अपने विंग्स यानी कि अपने फेदर्स को साफ कर रहे थे और उसकी मदर ही केवल उसके तरफ देख रही होती है, जो कि उस प्लेट्यू के टॉप पे बैठी थी। अब अचानक ही उसकी मदर उसके सामने पड़ी एक फिश को उठाती है और उसे जमीन में रब कर देती है और साफ कर देती है। ये देखकर वो यंग सीगल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा भूखा था। अब वो यंग सीगल गा 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 साउंड निकालता है और अपनी मदर को बेग करते हुए वो फिश को लाने को कहता है। ये देखकर उसकी मदर भी एक साउंड निकालती है, गाव कोल आह, और बोलती है कि तुम कितने स्टूपिड हो, तुम कितने बेवकूफ हो। अब वो यंग सीगल अचानक ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मदर एक फिश का टुकड़ा उठाकर उसके तरफ आने लगती है। ये देख के वो यंग सीगल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुशी के मारे वो उस रॉक के एज में पहुंच जाता है क्योंकि वो कैसे भी करके उस फिश के टुकड़े को खाना चाहता था। अब उसकी मॉम उससे कुछ दूरी पे रुक जाती है। उस यंग सीगल से अपनी भूख कंट्रोल नहीं होती और वो उस फिश के लिए बिना कुछ सोचे डाइव मार देता है। जैसे ही वो यंग सीगल डाइव मारता है वैसे ही वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो जोर से चिल्लाता है लेकिन अगले ही पल वो फील करता है कि वो गिर नहीं रहा है
और अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि वो आराम से उड़ रहा होता है आसमान में। अब वो खुशी से ग ग ग चिल्लाता है। उसके फादर मदर और उसके भाई बहन भी उसके आसपास उड़ रहे होते हैं और उसे एनकरेज कर रहे होते हैं। अब वो यंग सीगल अपने पैर को सी में डालता है और सी में उतरने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही वो डर जाता है और डर के मारे वो सी में डूबने लगता है। वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन कमजोरी के कारण वो उड़ नहीं पाता है। अब जैसे ही पानी उसके चेस्ट तक पहुंचती है, वो वैसे ही खुद ब खुद स्विम करने लगता है। अब उसके पेरेंट्स उसे एक फिश का टुकड़ा गिफ्ट करते हैं क्योंकि उसने अपने डर पे जीत हासिल कर ली थी। तो इस तरह वो यंग सीगल तैरना और उड़ना सीखता है। He had made his first flight. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया होगा। चैनल पे नए दिन सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely on.